Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the writing task 1, and the topic is: the table below shows the percentage participation of the women in the senior management in the three companies between 1975 and 2015. In इस time के between जो seniors post होती है उसमें कौन कौन किनके कौन कितने percentage women ने participation किया है तीन companies में. यहाँ पे टेबल दिखा रखा है, एक 5 ईयर का गैप दिया है 2000 तक, उसके बाद डायरेक्ट 15 साल का गैप दिखाया गया है. यहाँ पर तीन कंपनीज है, एलन, बैम्फोर, फिंसबी. तीन कंपनीज की मैनेजमेंट पोस्ट पे कितने परसेंट वुमेन पार्टिसिपेट करती है, तो मोस्टली देखा जाए तो पहली दो कंपनीज है बैम्फोर एंड एलन, हरेक टाइम पे उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, और लास्ट वाली जो कंपनी है उसमें कभी फ्लक्चुएशन चल रही है, कभी इंक्रीमेंट हुआ है, कभी डिक्रीज हो गया, देन लास्ट में इंक्रीमेंट होके ही उसका क्लोज होता है. द टेबल डिपिक्स द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस इन थ्री कंपनीज. यहाँ पे आप थ्री कंपनीज का नेम भी बता सकते हो और थ्री कंपनीज ऐसे भी लिख सकते हो. ओवर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, मोस्टली जो 40 ईयर्स का गैप ही बनता है इनमें. ओवरऑल ये अलग पैराग्राफ बनेगा. ओवरऑल इट इज अपेरेंट दैट द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर लेवल इन द एल्डन एंड द बैम्फोर्थ लिमिटेड कंपनीज इज इंक्रीजिंग. जैसे मैंने पहले बताया था कि थ्रू आउट द टाइम वो उनकी जो परसेंटेज है इन दोनों कंपनीज में इंक्रीज हो रही है, बट इन कंट्रास्ट दूसरे से कंपेयर किया जाए तीसरी कंपनी से, द परसेंटेज वॉज चेंजिंग एवरी 5 ईयर. कभी इंक्रीज होगी, देन अगेन डिक्रीज होगी, देन इंक्रीज, और इनकी फ्लक्चुएशन उसमें चलती रही है सारे टाइम में. इन द ईयर 1975 मीन्स फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, मोर वुमेन्स वर इन द सीनियर पोजिशन एट फिंसबरी कंपनी. इनकी स्टार्टिंग ईयर्स में जो ये वाली कंपनी है उसमें सबसे ज्यादा जो पोजीशंस, हायर पोजीशंस है वो वुमेन ने होल्ड की थी. देन द अदर टू कंपनीज, जैसे दूसरी कंपनीज को उसको कंपेयर करें, अमाउंटिंग टू 16%, ठीक है, बट द परसेंटेज ड्रॉप ऑफ 14 की ड्रॉप टू 14% आएगा यहाँ पे, कि 14% पे आ गई आफ्टर 5 ईयर्स की. पहला 16 था, देन उसके बाद 14 आ गया, फॉलोड बाय द राइज 1%. जो तीसरे साल का जो था गैप बताया गया था, पहले 16 का था, 14 का हुआ, डिक्रीज हो गया, देन अगेन आफ्टर 5 ईयर 1% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 15% पे आ गया. इन 1990 द वुमेन्स परसेंटेज वॉज इंक्रीज बाय 7%, बट अगेन ड्रॉप बैक टू 20%. 1990 में 7% का इंक्रीमेंट हुआ, बट उसके बाद फिर वो ड्रॉप करके 20% पे आ गई 2000 में. आफ्टर 15 ईयर 26% ऑफ द टॉप पोस्ट पोजिशन वर फिल्ड बाय वुमेन. कि एंड वाले ईयर में 2015 में जो देखा गया कि 26% जो टॉप की पोजिशन थी वो वुमेन्स द्वारा फिल की गई थी. अकॉर्डिंग टू द टेबल देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द टेबल देखा जाए तो जैसे ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा 16% रिकॉर्ड किया गया था 1975 में, जो दोनों पहली कंपनी से ज्यादा है, बट अगेन 14 पे आगे 2% डिस्काउंट पे 85 में इंक्रीज हुआ अगेन, बट जो 1990 में फिर जो इंक्रीज हुआ था पर डिक्रीज हो गया 2000 में उसके, पर एंड हुआ इसका 26% पे. बाद में जो बची दो कंपनीज है वो फर्दर मोर एल्डन एंड बैम्फोर्थ आर टू कंपनीज हु डिस्प्लेड द इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टिल 2015. ये दोनों कंपनीज है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंक्रीमेंट ही शो करती आई है. देयर वॉज नो चेंज सॉ इन द एल्डन लिमिटेड डाटा, और परसेंटेज लिख सकते हैं यहाँ पे इन द फर्स्ट 5 ईयर्स में, कि पहले 3% था, 5 साल के बाद भी 3% ही इसका शो हुआ था.
Then after 5 years, the percentage inclined more than threefold. अगेन जैसे 75 से स्टार्ट हुआ ईयर, 80 में भी 3% था, 85 में अचानक उसका 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया, 3 गुना जैसे बोल सकते हो, उससे ज्यादा इंक्रीज हो गया, 3-4 से ज्यादा. एंड रोज इन द फाइनल ईयर, कि उसके बाद इनका इंक्रीमेंट ही कंटिन्यू रहा है. वो मेड अप द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ 64%, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रिकॉर्ड की गई है 64% एंड वाले ईयर में. दैट वॉज अ मोर एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, जो दूसरी कंपनीज की कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा इसकी थी. सिमिलरली बैमफोर्थ लिमिटेड गॉट 9% इन द स्टार्टिंग ईयर, उनकी 75 में 9% इसका रिकॉर्ड किया गया था कि इतनी वुमेन पार्टिसिपेट की है टॉप पोजिशन में. एंड ग्रेजुअली इंक्रीज विद द एवरेज ऑफ 2%, कि उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है, कि 2000 आ गया, 1985-80 में, कि 2-2% की एवरेज से वो इंक्रीज होता गया उसमें. बट 2015 प्रपोर्शन रोज बाय 29%, कि अचानक से 29% का इंक्रीमेंट हुआ 2015 में, और रिकॉर्ड टोटल क्या हुआ 46% इसका आ गया अकॉर्डिंग टू द टेबल. कि एलन कंपनी में 75 से 80 तक कोई चेंज नहीं आया, 3% रिकॉर्ड हुआ. 85 में अचानक वो 14% पर पहुंच गया, कि 3-4 से भी ज्यादा था उसका, 3 गुना से भी. और अगेन उसके बाद की बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट ही चलता रहा, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज 2015 में रिकॉर्ड की गई थी, जो दूसरी कंपनी से कहीं ज्यादा थी, 64%. दूसरी तरफ देखा जाए कि बैमफोर्थ कंपनी है, 9% स्टार्ट हुआ, हरेक ईयर में वो 2-2% तक इंक्रीज होता गया 2000 तक. 2015 में जो 15 साल का गैप था उसमें क्या था, 29% इंक्रीज हो गया, तो 46 पे उसका एंड होता है. सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. इफ यू लाइक द प्रेजेंटेशन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.